You're a superhero. आपका योगेश योगेश कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th से। ये क्या बनाया आपने? ये फेफड़े। फेफड़े किसके फेफड़े हैं? सर मानव के। मानव के फेफड़े हैं। कैसे काम करते हैं? सर हम सांस लेते हैं तब हाँ। सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं हाँ। तो एक बार करके दिखाओ। वाह ये तो अच्छा बनाया आपने। तो फेफड़े कैसे काम करते हैं, सांस कैसे भरते हैं निकालते हैं, ठीक। हाँ जी, ये एक मिनट। क्या नाम आपका? अनुज कुशवाहा। क्या नाम? अनुज कुशवाहा। अनुज कुशवाहा, अच्छा। आपने क्या बनाया? कोशिका। कोशिका, ये कोशिका एक है, ये तो कई कोशिकाएं लग रही हैं। कौन कौन सी? ये क्या है? पहला एक कोशिका है, ये अमीबा है, और पैरामीशियम है। ये इसमें कितनी कोशिकाएं हैं अमीबा में? हाँ, और ये क्या बनाया? दूसरा पैरामीशियम है। अच्छा, नीचे ये क्या है? नीचे मानव जंतु कोशिका और पादप कोशिका है, और ये, अच्छा आपने नाम लिखा अपना, अच्छा ठीक है। ये आपका, ये क्या है सर? किसका आपका है? जीवन चक्रिय सर। क्या नाम है आपका? मयंक यादव सर। मयंक यादव, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सर? 8th। क्या बनाया आपने सर? ये मेढक का जीवन चक्र सर। मेढक का सर, अंडे होते हैं सर, फिर सर डेड बॉल, फिर सर बाद का डेड बॉल। इधर देख के बताइए। हाँ थोड़ा ऊपर करो, ऊपर। हाँ अंडे होते हैं सर सबसे पहले सर। ये मेढक के अंडे, अंडे से आरंभिक डेड बॉल, बाद का डेड बॉल, फिर सर वैसे फिर मेढक बन जाता है। यस सर। तो मेढक का जीवन चक्र है क्या ये? मेढक का जीवन चक्र है। हाँ अच्छा, मेढक का जीवन चक्र है। तो आपने अच्छा बनाया, मेढक का जीवन चक्र है। अच्छा, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहले मेढक से मादा मेढक सर शांत रहता है सर, और सर सर मेढक सर मक्खी मच्छर चींटी जैसे सर खाते हैं। हाँ, तो ये अंडयूज है या जरायुज है? अंडे देता है सर। तो अंडयूज होगा। कौन सा? अंडे। अंडयूज है, वो भी पैरस है। तो ये आपने मेढक का जीवन चक्र बनाया है, ये देखिए। आपका क्या नाम? अनुराग। अनुराग, आपने क्या बनाया सर? मैंने कोशिकाएं बनाई थी। कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका है। देखिए क्या बनाया आपने, क्या? एनिमल सेल। ये एनिमल सेल आपने बनाई? अच्छा, एनिमल सेल ये लिखा हुआ है। हाँ, एनिमल सेल, ठीक है। आगे इनका देखना। आपका नाम क्या? रचकांत। आपने क्या बनाया? मानव शुक्राणु। कहाँ पर है? अच्छा, तो मानव शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? सिर, मध्य भाग और पूंछ। और ये क्या बनाया? निषेचन में ये मिल रहे हैं, तो निषेचन क्रिया होती है, है? अच्छा चलो ठीक, आगे इधर आ जाना। ये क्या बनाया आपने? क्या नाम है आपका? सार्थक सोलर जी। पादप कोशिका बनाई? कहाँ है पादप कोशिका? क्या बनाया? जोर से बोलो। तंत्रिका कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका किसमें पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। अच्छा, इसमें कोशिका भित्ति कौन सी है बताना? उनमें से कोशिका भित्ति कौन सी है बताऊंगा? ये कोशिका भित्ति है, ठीक। ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक। चले जाओ मैडम। हाँ क्या बात सर? चल से क्या बना? पादप कोशिका कौन सी? जंतु कोशिका। अच्छा, ये कौन सी कोशिका है? राजी की जिंदगी कोशिका। इधर देख के बताओ। राजी की जिंदगी कोशिका। क्या? बिना राजपूत। क्या बनाया ये आपने? इधर देख के बताओ। उंगली रखो, उंगली कहाँ रखेंगे? भोजन के पोषक तत्व। पोषक तत्व, या पोषक पदार्थ ने कहा है? उधर बताओ, भोजन के पोषक पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से? चावल,
ये कुछ बोलना। हाँ कौन बोल रहे? गेहूँ, मक्का और चावल। अच्छा, विटामिन के स्रोत कौन से हैं? गाजर और सरसों, मौसमी। मौसमी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। अच्छा, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। और ये इसमें कौन सा है? प्रोटीन, दालों में प्रोटीन।